देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज, मैं आपके साथ विजय आदित्य। तो चलते हैं बड़ी खबर की ओर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रूस के बीच संबंधों को लेकर बात की। पुतिन ने उम्मीद जताई कि अगले साल भारत और रूस क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडों से संबंधित सामूहिक मुद्दों के समाधान के प्रयासों के साथ ही रचनात्मक द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य जारी रखेंगे। तो देखते रहिए खास रिपोर्ट हमारे। पुतिन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने क्रिसमस एवं नववर्ष शुभकामना संदेश में कहा कि रूस और भारत विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार के संबंध से जुड़े हैं, जो कोरोना वायरस महामारी सहित इस साल की समस्याओं के बावजूद पूरे विश्वास के साथ प्रगति कर रहे हैं। क्रेमलिन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति पुतिन ने जोर देकर कहा कि दोनों देश एक व्यापक राजनीतिक संवाद बनाए रखते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त परियोजना का वादा करते हैं, जबकि शंघाई सहयोग संगठन एसईओ और ब्रिक्स के सहयोग से अच्छे परिणाम मिलते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अगले साल रूस और भारत रचनात्मक द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडा पर सामायिक मुद्दों के समाधान के लिए समन्वित प्रयास की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। इससे पहले रूस ने कहा था कि वह क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत की बढ़ती महत्ता का पूर्ण समर्थन करता है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के दृष्टिकोण को भी समझता है, लेकिन इस इलाके को लेकर क्वाड रणनीति को लेकर वह चिंतित है। भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदासेव ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उद्गार व्यक्त किए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्ष 2020 में भारत रूस के रिश्तों के आकलन व अगले वर्ष 2021 में द्विपक्षीय संबंधों को लेकर उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी देने के बारे में थी। रूस के राजदूत ने भारत व चीन के बीच मौजूदा विवाद के बारे में कहा कि वह दोनों देश को करीबी मित्र व साझेदार और किसी एक का समर्थन नहीं कर सकता। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।